सुजानपुर शहर में भाजपा पार्षदों के द्वारा नगर परिषद की बैठक में बस अड्डे के पास बने खोखाधारकों के लिए पक्की दुकानों के आवंटन पर जताई गई आपत्ति और प्रस्ताव पारित कर जिलाधीश व मुख्यमंत्री से जांच के आदेश की मांग करने के मुद्दे पर नया मोड़ लिया है। इस मुद्दे को लेकर सुजानपुर प्रशासन द्वारा सुजानपुर बस अड्डे पर बनाई गई पक्की दुकानों के आवंटन को लेकर दो भाजपा समर्थित पार्षदों ने चुप्पी तोड़ी है। भाजपा समर्थित पार्षदों ने सविता महाजन, नीता सड़ियाल ने एक स्वर में कहा कि पक्की दुकान में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, वित्त राज्य एवं कॉर्पोरेट मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के निर्देशों पर सुजानपुर में बनाई गई दुकानें थी। इसके लिए दोनों शीर्ष नेता बधाई के पात्र हैं। इसके साथ साथ उन्होंने सुजानपुर उपमंडल अधिकारी शिल्पी बेक्टा का भी धन्यवाद किया है। उन्होंने आवंटन प्रक्रिया को एक सम्मान किया, जो प्रभावित परिवार पक्की दुकानें बनाने से पहले उठाए गए थे उन्हें ही वहां पर स्थापित किया गया है। इस जगह पर जो भी काम हुआ है नियमों के आधार पर हुआ है, जिसके लिए किसी भी तरह की जांच की मांग भाजपा समर्थित पार्षद नहीं करते हैं। ना नहीं बोल ले अभी, अब बोलो। तो मैं वार्ड नंबर 5 की पार्षद नीता कुमारी के खोखों के धारकों के ऊपर की गई टिप्पणी पर दुकानों का वितरण अमीर गरीब को के हिसाब से नहीं किया गया है, बल्कि प्रशासन के हिसाब पिछला रिकॉर्ड के हिसाब से चेक करके दिया गया है, वे सही है। इसके ऊपर मेरी कोई आपत्ति नहीं। मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजने की लिखा हुआ था, आपने क्या भेजेंगे, आप क्या कहेंगे? आप मैडम जी, खोखा धारकों के ऊपर जो आपत्ति भाजपा के पार्षदों ने आप दर्ज करवाई है, समाचार पत्रों में भी जो प्रकाशित खबर हो रही है, क्या कहेंगे आप उसके ऊपर? कहां तक सच्चाई है, क्या कहेंगे आप? मैं वार्ड नंबर 1 की पार्षद सरिता महाजन बोल रही हूँ। मेरी उन खोखो धारकों के बारे में कोई भी आपत्ति नहीं है। उस दिन जो मैंने जल्दबाजी में साइन कर दिए थे, तो मैंने इतना डिटेल में पढ़ा नहीं था, और मैं बल्कि धूमल साहब और अनुराग जी का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने रेडी से दुकानें बना दी गई, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मैडम, क्या आप मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष भी इस प्रस्ताव को भेजने के लिए कहेंगे, क्या कहेंगे आप? ऐसा हमारा कोई विचार नहीं था। वहीं नगर परिषद सुजानपुर के पूर्व अध्यक्ष एवं स्ट्रीट वेंडर कमेटी के अध्यक्ष अशोक मेहरा ने कहा कि प्रशासन के द्वारा खोखों का आवंटन बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, और इसके लिए सुजानपुर प्रशासन का वह आभार व्यक्त करते हैं। सुजानपुर में एस टुडे की टीम ने जो चर्चाएं आज शहर में चली हुई हैं कि खोखा धारकों को जो खोखे आवंटित किए गए हैं, उस पर कुछ पार्षदों ने अपनी असहमति दर्ज करवाते नजर आ रहे हैं। समाचार पत्रों में भी ये चर्चा बनी हुई है, लेकिन जो खोखा धारक जो बस स्टैंड पर बैठे हुए हैं, उनको किस प्रकार की जो समस्या आ रही है, क्या उनका विरोध है, इसको जानने के लिए जो वेंडर्स कमेटी के प्रधान भी हैं, और जब प्रधान पद पे असीम थे, तो उनकी ही जो देन रही है ये खोखा बनाने का जो पूरा का पूरा श्रेय जो है वो अशोक मेहरा को जाता है। आज इनसे विस्तृत चर्चा करेगी आज टुडे की टीम कि किस प्रकार से, मतलब ये खोखा जो बनाए गए हैं और जो आवंटन हुए हैं, कहाँ पे ये आपको जो है, मतलब इस प्रकार की जो उंगली उठाई जा रही है पार्षदों द्वारा, ये सही है कि गलत है, जानते हैं आप। स्वागत है सर एस्टूडे टीम में आपका, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद। जो अब जब हम यहाँ बैठे थे, तो मैं दिल्ली गया था अनुराग जी के पास, मंत्री जी के पास, और वहाँ जा कर के उनसे ये पास करवाया था। जब उनसे उन्होंने हमसे वादा किया जो भी यहाँ से उठाए जाएंगे वो बसाए जाएंगे, और जब अब बसाने की बात आई तो बिल्कुल प्रक्रिया हर आदमी को जो यहाँ से उठाया गया था उनको दुकानें मिली हैं, अलाट होते हैं। हम धन्यवाद करते हैं अनुराग ठाकुर जी का और धूमल जी का, साथ में प्रशासन सीपी बेक्टा जी का, उनके प्रयासों से दुकानें बनी हैं। हम सारी उम्र उनका आसान नहीं बोल सकते, पर इसमें कुछ नहीं है, जो यहाँ बैठे थे उनको ही दुकानें मिली हैं। अशोक महाराज जी ने स्पष्ट किया है एस्टूडियो टीम के साथ कि जो बैठे थे उन्हीं को ही दुकानें मिली हैं। क्या लगता है सर कि जब आवंटन हुआ है पारदर्शिता बरती गई है कि नहीं बरती गई है? सर बिल्कुल पारदर्शिता बरती, तभी तो उनको मिले हैं, जब तो बाहर का आदमी को नहीं बसाया गया, जो यहाँ बैठे थे उनको ही मिली है। मैं फिर बार सर, बार क्या कहेंगे आप, उनको ही दुकानें मिलनी चाहिए जो बैठे गए थे? बिल्कुल उनको ही मिलनी चाहिए, वादा किया था हमारे साथ। अशोक महाराज जी
प्रधान थे उस समय से लेके आज ये जो वेंडर्स कमेटी है उसके भी अशोक मेहरा जी प्रधान पद पे असीम है। तो इनका स्पष्ट कहना है कि प्रशासन ने जो पारदर्शिता बरती है दुकान आवंटन करने के लिए जो भी प्रोसीजर था प्रशासन ने, इन्होंने शिल्पा बेक्टा का भी धन्यवाद करते नजर आए हैं। एस टुडे की टीम अन्य पार्षदों भी आज से रूबरू करवाएगी कि किस प्रकार से खोखा धारकों के आवंटन में प्रक्रिया में कुछ प्रकार की खामी जो है पाई गई है। देख बने रहे एस टुडे की टीम के साथ, धन्यवाद।